A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 6th of August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Sticking to Commitments. देखो sticking to का होता है किसी चीज के साथ जुड़े रहना और commitments का मतलब होता है प्रतिबद्धता. तो यानी कि प्रतिबद्धताओं के साथ जुड़े रहना. On India's क्लाइमेट चेंज गोल, इंडिया को अपने क्लाइमेट चेंज गोल यानी क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो इंडिया ने अपने जो भी गोल सेट किए हैं, जो भी अपने टारगेट सेट किए हैं, लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो इंडिया को उन प्रतिबद्धताओं के साथ क्या जुड़े रहना चाहिए. इंडिया मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इंडिया को एक उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत है, इंडिया को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए बाय बैलेंसिंग एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट गोल्स, जिससे कि इंडिया संतुलित कर सके किसको, एनर्जी यूज ऊर्जा का जो प्रयोग करते हैं इंडिया, और क्लाइमेट गोल, और इंडिया ने जो जलवायु परिवर्तन को लेकर जो अपना एक गोल डिसाइड किया है, अपना एक टारगेट या एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इंडिया को उस एनर्जी यूज और क्लाइमेट गोल को लेकर क्या करना चाहिए, उसके बीच में संतुलन पैदा करना चाहिए. अहेड ऑफ 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको COP भी बोला जाता है, यानी जो COP जो कि 27वां COP है, वो अभी आगे आने वाला है, ऑफ द UNFCCC, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, और जो कि 27 मतलब जिसको COP बोलते हैं, वो कहां पर होने वाला है, वो इन शरम एल शेख इजिप्ट, ये एक पर्टिकुलर जगह है इजिप्ट के अंदर, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो 27वां जो सम्मेलन होने वाला है, जो इजिप्ट के अंदर होने वाला है इन नवंबर, ये नवंबर के महीने में होने वाला है. द यूनियन कैबिनेट, और भारत का जो मंत्रिमंडल है, हैज अप्रूव्ड, अप्रूव्ड का मतलब किसी को परमिशन दे देना, इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको NDC बोला जाता है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि इंडिया ने जो नेशनल की अगर बात की जाए, राष्ट्रीय तौर पर जो एक निर्धारित जो उसका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसका जो एक योगदान है किसको, क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया, उसको जो यूनियन कैबिनेट है उसने उसको NDC को मंजूरी दे दी है. अ फॉर्मल स्टेटमेंट, एक औपचारिक एक स्टेटमेंट भी दी है, एक बयान दिया है, डिटेलिंग इट्स एक्शन प्लान, और उस औपचारिक जो एक बयान है उसके अंदर डिटेलिंग दी गई है, उसके अंदर एक विवरण दिया गया पूरा NDC को लेकर, टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर कि इंडिया ने किस किस तरह के मेजर्स लिए, स्टेप्स लिए, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके. द 2015 पेरिस एग्रीमेंट, जो क्या है, ये एक पेरिस एग्रीमेंट जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारे देशों के बीच में एक समझौता है, जिसके तहत किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सकता है, और ये जो 2015 पेरिस एग्रीमेंट है, इसके अनुसार रिक्वायर्स कंट्रीज, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के हिसाब से सभी कंट्रीज को क्या है, रिक्वायर्स कंट्रीज टू स्पेल आउट अ पाथवे, स्पेल आउट का मतलब डिटेल देना, अ पाथवे पाथवे एक रास्ता तैयार करना, टू एंश्योर द ग्लोब डज नॉट हीट बियॉन्ड टू सेल्सियस डिग्री, 2 डिग्री सेल्सियस, और मतलब ये जो पेरिस एग्रीमेंट है, अलग अलग देशों के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, तो उस अग्रीमेंट के हिसाब से सभी देशों को क्या करना चाहिए, एक पाथवे को यानी एक रास्ते को स्पेल आउट करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, जिससे कि ये जो पूरा ग्लोब है, ये पूरी दुनिया है, वो 2 जो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर उससे ज्यादा ना बढ़े, जिससे कि टेम्परेचर को क्या किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, तो सारे के सारे वो मेजर्स लेने चाहिए, सारे के सारे वो स्टेप्स लेना चाहिए, जिससे कि ग्लोबल जो एक टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा सके, उसको कम रखा जा सके. एंड एंडेवर्स, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, मेकिंग एफर्ट्स टू कीप इट बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय 2100, और 2100 तक, मतलब ये जो वर्ल्ड का जो पूरा टेम्परेचर है उसको 1.5
डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, उससे ज्यादा ना बढ़ पाए, तो ये सभी के सभी कंट्रीज का एफर्ट्स रहेगा, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से ये सारे के सारे कमिटमेंट को पूरा करना होगा। द सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है से कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप जिसको बोलते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आर क्यूबलिंग एरिना। क्यूबलिंग का मतलब होता है एक तरीके से स्ट्रेंज या बहुत ही अजीब। एरिना एक ऐसा एरिया क्षेत्र है जहां पर वेयर कंट्रीज कॉक्स, कॉक्स का मतलब एक तरीके से मनाना, कजोल का मतलब फुसलाना, जहां पर जनरली क्या करते हैं जो अलग अलग कंट्रीज है वो क्या करते हैं, कॉक्स करते हैं मेकिंग, कजोल फूलिंग यानी मूर्ख बनाना फुसलाना, एंड मेक कॉम्प्रोमाइजेस, जहां पर जनरली जो अलग अलग जो कंट्रीज है वो क्या करती है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करती हैं ऑन द कर्ड्स, मतलब जनरली उनको जो क्लाइमेट चेंज को लेकर अपना जो फ्यूल है, फ्यूल एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कम करने के लिए जो उनके जो कमिटमेंट्स हैं उनके साथ क्या करते हैं, जनरली कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हालांकि वो क्या करते हैं, प्रॉमिसेस तो करते हैं लेकिन वो जनरली क्या करते हैं, कजोल करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें की जाती हैं लेकिन उसके लिए एक्चुअल में कोई एफर्ट्स नहीं किए जाते हैं। दे कैन अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब किसी चीज को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में लेना। मल्टी डेसिडल, मल्टी मतलब हो गया बहु, और डेसिडल का मतलब हो गया एक तरीके दशकीय। टाइमलाइंस विल लीस इम्पैक्ट ऑन देयर डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, डेवलपमेंट प्रायोरिटीज मतलब उनकी जो विकास को लेकर जो प्राथमिकताएं हैं उनके साथ वो किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और मतलब जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, कमिटमेंट जो किए जाते हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, एक्चुअल में वो उन प्रोमिसेस को, उन कमिटमेंट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और वो किसी भी तरीके से अपनी जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। अगर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो क्लाइमेट चेंज को लेकर किया जाता है। व्हाइल द एंड प्रोडक्ट ऑफ COP इज जॉइंट एग्रीमेंट, और फाइनली अगर देखा जाए तो ये जो फिलहाल जो अग्रीमेंट है और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो उत्पादन होता है, उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज ए जॉइंट एग्रीमेंट, जिसके तहत मतलब ऑलमोस्ट जितनी भी जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है वो क्या करती है, एक जॉइंट एग्रीमेंट पे साइन करती है, साइन बाय दी ऑल मेंबर कंट्रीज, द रियल बिजनेस बिगेंस आफ्टर दैट। और इसके बाद असली जो एक बिजनेस है, एक्चुअली असली जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो इसके बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि अग्रीमेंट तो हो जाता है लेकिन अग्रीमेंट के हिसाब से क्या उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जाता है, असली बात ये देखने वाली होती है। वे कंट्रीज मस्ट सबमिट NDC, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको NDC बोला गया है, every 5 years, और हर एक कंट्री को अपनी NDC रिपोर्ट को भेजना होता है, जिसके तहत उसने कौन कौन से वो मेजर्स लिए जिससे कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके, तो वो एक रिपोर्ट भेजना होता है हर एक 5 साल के बाद। मैपिंग व्हाट विल बी डन पोस्ट 2022 स्टेम फॉसिल फ्यूल इमिशन, मैपिंग का मतलब होता है किसी चीज को चित्रण करना। व्हाट विल बी डन, क्या किया जाएगा 2020 के बाद, टू स्टेम, स्टेम का मतलब टू स्टॉप फॉसिल फ्यूल इमिशन, जो फॉसिल फ्यूल है यानी जीवाश्म जो ईंधन है उससे निकलने वाला जो इमिशन का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से जो प्रदूषण होता है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो NDC को देना होता है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कमिटमेंट किए जाते हैं लेकिन एक्चुअल रिपोर्ट नहीं दी जाती है। इंडिया फर्स्ट NDC, और इंडिया ने अपना जो फर्स्ट नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की जो रिपोर्ट थी NDC, जिसको 2015 में उसने दिया था, स्पेसिफाइड 8 टारगेट्स, जिसके अंदर इंडिया ने अपने 8 टारगेट्स लक्ष्य को निर्धारित किया था उस पर्टिकुलर NDC रिपोर्ट के अंदर। द मोस्ट सेलियंट, सेलियंट का मतलब हो गया मेन फीचर, देम बीइंग रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 33% टू 35% ऑफ और 2005 लेवल बाय 2013। और उसके अंदर अगर देखा जाए सबसे मुख्य जो एक इंडिया का जो एक टारगेट था, लक्ष्य था, उसमें क्या था कि 2030 तक आने वाला जो टाइम है इंडिया उसमें क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, कम करेगा जो एमिशन है, यानी जो एक तरीके से जो
पॉल्यूशन निकलता है धुएं की वजह से, उसको उसको उत्सर्जन को इंटेंसिटी, उस उत्सर्जन की जो इंटेंसिटी है उसकी तीव्रता जो है जीडीपी को लेकर, यानी उसको 30-33% से 35% तक, यानी 2005 के अंदर जो हमारा इमिशन होता था वो इस लेवल पे होता था, यानी कहीं ना कहीं 2030 के अंदर, 2005 के अंदर जो इमिशन लेवल हुआ करता था उसके बराबर लाने की कोशिश की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक टारगेट सेट किया है इंडिया ने, जिससे कि मतलब ये क्लाइमेट चेंज को, जो वर्ल्ड का पूरा टेम्परेचर उसको कंट्रोल किया जा सके। देखने वाली बात ये रहेगी, क्या ये सिर्फ एक मेयर एक कमिटमेंट है या लिटरली इंडिया इसके ऊपर अपना काम करता है। हैविंग 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, और इंडिया का जो फिलहाल अगर देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उसका जो कैपेसिटी है जो ऑलरेडी है इंडिया को है, इंडिया के पास है, सोर्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। और कहीं ना कहीं इंडिया का प्लान है कि जो उसका 40% जो इलेक्ट्रिसिटी का कैपेसिटी है वो जो नए जो एनर्जी के सोर्सेज होंगे उससे लिया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं उन सारे सोर्सेज को हटा दिया जाएगा जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो कि प्रदूषण करते हैं या जो टेम्परेचर को राइज करते हैं, उन सभी के उन पर्टिकुलर सोर्सेज को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर नए रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा। एंड क्रिएटिंग एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.523 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू फॉरेस्ट ट्री कवर बाय 2013। और मतलब क्रिएट क्या किया जाएगा, एडिशनल कार्बन सिंक को एक क्रिएट किया जाएगा जिसके अंदर 2.323 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, और जिसके अंदर मतलब एक कार्बन सिंक को डेवलप किया जाएगा। कार्बन सिंक क्या है, एक ऐसी पर्टिकुलर जगह डेवलप की जाएगी जिसके अंदर मतलब क्या होता है, कार्बन को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको कार्बन फ्री बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट रहेगा, सिमिलर रहेगा किसके, फॉरेस्ट एंड ट्री। मतलब जो फॉरेस्ट और जो ट्री होते हैं वो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसी तरीके से कार्बन सिंक को बनाया जाएगा जिसका कॉस्टिंग ऑलमोस्ट मतलब 2.5 से 3 बिलियन के आसपास का रहेगा, टन्स के आसपास का रहेगा। तो नहीं सॉरी, ये पर्टिकुलर हो गया, जो कार्बन सिंक है वो 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन्स तक उसको क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा सके, उसको ऑब्जर्व किया जा सके, और ये जो टारगेट है 2030 तक उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। बींग अ लार्ज पॉपुलस कंट्री, और इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक बहुत ज्यादा पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब पॉपुलेटेड, जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इंडिया हैज हाई नेट इमिशन, और इंडिया का जो इमिशन है उत्सर्जन है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, बट लो पर कैपिटा इमिशन, लेकिन जो लो पर कैपिटा, और हालांकि जो देखा जाए इंडिया का जो हाई नेट इमिशन है वो ज्यादा है लेकिन लो पर कैपिटा इमिशन वो कम है। इट हैज ऑल्सो बाय पार्टिसिपेटिंग इन COP फॉर डिकेट्स, और इंडिया ने कहीं ना कहीं मतलब ऑब्वियस सी बात है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उसके अंदर डिकेट से बहुत लंबे टाइम से दशकों से इंडिया इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। मेड द केस दैट एग्जिस्टिंग क्लाइमेट क्राइसिस इज लार्जली ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द US एंड डेवलपमेंट यूरोपियन कंट्रीज सिंस 1850, और मतलब कहीं ना कहीं इट हैज मेड द केस, मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक इट हैज मेड द केस दैट, मतलब इसने एक केस को क्लियर किया एक तरीके से, ये जो फिलहाल एग्जिस्टिंग जो क्लाइमेट है जो एक क्राइसिस बना हुआ है, एक संकट बना हुआ है, लार्जली ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकीकरण जिसको बोला जाता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी वजह रही है US और यूरोपियन कंट्रीज, जो 1850 के बाद जो एक औद्योगिकरण आया था, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, उनकी वजह से ये जो फिलहाल अगर देखा जाए जो एग्जिस्टिंग क्लाइमेट क्राइसिस है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज है, खास तौर पर अमेरिका की अगर बात की जाए और यूरोपियन कंट्रीज की बात की जाए, तो उनकी वजह से ये क्लाइमेट एक क्राइसिस बना हुआ है। हाउएवर, हालांकि इयर्स ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मतलब डिस्कशन, बातचीत मतलब सालों से बातचीत की जा रही है, इंटरनेशनल प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जा रहा है, अनक्लियर अनक्लियर एविडेंस, और मतलब हमारे पास जो सबूत है वो बिल्कुल साफ है, ऑफ मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट, मल्टी डायमेंशनल का मतलब बहुस्तरीय इम्पैक्ट प्रभाव हो गया फ्रॉम क्लाइमेट चेंज,
बहुत एक स्त्रीय क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है. हैव सीन इंडिया अग्री टू पे, और मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट को देखते हुए इंडिया ने क्या किया है, इंडिया अग्री टू मूव अवे. इंडिया ने कोशिश करी है, इंडिया क्या करेगा, मूव अवे, दूर जाएगा फ्रॉम फॉसिल फ्यूल ओवर टाइम. और जो जीवाश्म ईंधन है उससे इंडिया कहीं ना कहीं दूर जाएगा और उस पर्टिकुलर ईंधन को यूज करेगा जो कि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड टेम्परेचर है उसको ना बढ़ाए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज ना करे, इमिशन उसका ज्यादा ना हो. तो इंडिया उन्हीं फ्यूल्स का यूज करने वाला है आने वाले टाइम के अंदर. एट COP 26, देखिए, और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी 26वीं इन ग्लासगो जो कि 2021 में हुई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड आउट. लेड आउट का मतलब होता है कैप्ट 5 कमिटमेंट. तो हमारे जिनको पंच अमृत बोला गया है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो COP 26 हुआ था तो उसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 5 कमिटमेंट्स दिए थे, 5 प्रतिबद्धताएं रखी थी एज द गवर्नमेंट रेफरेंसेज एट. और गवर्नमेंट ने उसको पंच अमृत के नाम से बोला था, रेफरेंस किया था, संदर्भ दिया था, विच इंक्लूडेड, और उन कमिटमेंट के अंदर शामिल था इंडिया इंक्रीजिंग इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी, कि इंडिया क्या करेगा अपनी जो नॉन फॉसिल एनर्जी है यानी कि जो गैर जीवाश्म ईंधन है उसको लेकर उसको बढ़ाएगा कैपेसिटी टू 500 गीगाबाइट बाय 2030. यानी कहीं ना कहीं 2030 तक इंडिया अपना नॉन फॉसिल एनर्जी है उसकी कैपेसिटी को 500 गीगाबाइट तक बढ़ाएगा एंड अचीविंग नेट जीरो. और कहीं ना कहीं उसका जो टारगेट है कि वो क्या करेगा, कोशिश की नेट जीरो होना चाहिए बाय 2017. यानी कि जो एमिशन, जो फॉसिल फॉसिल फ्यूल जो है उसको कहीं ना कहीं 2070 तक उसका यूज 0% करना चाहता है, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है, क्राइसिस है, उसको कंट्रोल किया जा सके. तो इंडिया इस बात के लिए कमिटमेंट देता है और नो नेट कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड फ्रॉम एनर्जी सोर्सेस. और कोशिश की जाएगी कोई भी सोर्स को यूज किया जाएगा तो उस सोर्स से किसी भी तरह का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज ना हो, तो ऐसे ही सोर्सेस को यूज किया जाएगा. हालांकि द प्रेस स्टेटमेंट ऑफ कैबिनेट डिसीजन वो साइलेंट ऑन वेदर इंडिया वुड कट एमिशन बाय बिलियन टन्स और इन ऑन क्रिएटिंग कार्बन सिंक्स. तो फिलहाल इंडिया का जो प्रेस स्टेटमेंट है, इंडिया ने कैबिनेट की अगर बात की जाए, कैबिनेट ने ये डिसीजन तो लिया है लेकिन फिलहाल जो प्रेस स्टेटमेंट है वो नहीं दिया है कि इंडिया जो करने वाला क्या वो एमिशन को कम करेगा या कोई कार्बन सिंक को क्रिएट करेगा जिससे कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उसको ऑब्जर्व किया जा सके. While India is within its right to specify its emission pathway, हालांकि ये इंडिया का खुद का ही अधिकार है कि इंडिया स्पेसिफाई करे कि उसका जो इमिशन पाथवे है, उसका जो उत्सर्जन को लेकर जो एक रास्ता है, इंडिया के पास राइट है वो उसको क्या करे, स्पेसिफाई करे अपने हिसाब से. इट शुड नॉट, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए एट एनी फोरम, किसी भी मंच पर, फोरम मतलब मंच हो गया, प्रॉमिस मोर देन व्हाट इट कैन डिलीवर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप ज्यादा दे नहीं सकते हो लेकिन ऐसा प्रॉमिसेस आप कर देते हो. तो इंडिया को उतने ही प्रॉमिसेस करने चाहिए जितने कि इंडिया उसको पूरा कर सके. एज दिस अंडरमाइंस, अंडरमाइन का मतलब हाईलाइट करना या किसी चीज को ऊपर स्ट्रेस करना, द मॉरल अथॉरिटी. और ये इंडिया की नैतिक एक कर्तव्य भी है, जितना वो परफॉर्म कर सकती है उतना ही उसको कमिटमेंट करना चाहिए. दैट इंडिया ब्रिंग्स टू फ्यूचर नेगोशिएशन, आने वाली जो भी बातचीत होंगी उन बातचीत के अंदर ऐसा कमिटमेंट ना किया जाए जो कि पूरा ना किया जा सके, सिर्फ वही कमिटमेंट किए जाए जिससे कि जिनको पूरा किया जा सके. इंडिया हैज एक्सप्रेस इट्स इंटेंट. इंटेंट का मतलब होता है विलिंगनेस, और इंडिया अपने अपनी इच्छा को जाहिर किया है वाया सेवरल लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन का मतलब हो गया कानून, लॉज. और इंडिया ने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं टू यूज एनर्जी एफिशिएंटली, जैसे कि एनर्जी को मतलब बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज किया जा सके. एंड मैनी ऑफ इट्स बिगेस्ट कॉरपोरेशन, और जो उसके कॉरपोरेट हाउसेज हैव कमिटेड टू शिफ्टिंग अवे फ्रॉम पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेस. और इंडिया के जो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, मतलब जो कि इंडस्ट्री है, उन्होंने भी क्या किया, कमिटमेंट दिया है शिफ्टिंग अवे, दूर चले जाना, कि वो फिलहाल अपना जो एनर्जी यूज करें तो खास तौर पे वो उन एनर्जी को यूज करेंगे जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट ना हो. तो ऐसा कमिटमेंट कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है, जो कंपनीज है, उन्होंने दिया है. गोइंग अहेड, इससे आगे जाते हुए, दिस
दिस शुड बी ग्राउंड फॉर इंडिया, और इंडिया के लिए ये सारी चीजें आधार होनी चाहिए एट इट्स पेस, और अपने ही पेस से इंडिया को इन चीजों को पूरा करना चाहिए. टू बी एन एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर का मतलब होता उदाहरण प्रस्तुत करने वाला फॉर बैलेंसिंग एनर्जी, और इंडिया को पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाला बनना चाहिए जो कि बैलेंस कर सकता है, संतुलित कर सकता है एनर्जी यूज, ऊर्जा का जो प्रयोग किया जाता है, डेवलपमेंट, विकास एंड मीटिंग क्लाइमेट गोल्स. और एट द सेम टाइम इंडिया को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जैसे कि इंडिया क्या कर सकता है, जो एनर्जी यूज है, जो ऊर्जा को लेकर, ऊर्जा का प्रयोग है, विकास है और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट लेकर जो उसके उद्देश्य हैं, जो उसके गोल हैं, उसका जो लक्ष्य है, उनको सभी को एक साथ लेकर चला जा सकता है, उन सभी को एक साथ पूरा किया जा सकता है. तो इंडिया को आने वाले टाइम में सभी देशों के सामने खुद को एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए. सो माई डियर रीडर्स, इट वॉज वंडरफुल आर्टिकल एंड द टोन ऑफ दिस आर्टिकल वॉज सजेस्टिव. आई ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई दिस आर्टिकल. Thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.